दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम से सिविल स्कोर कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम से सिविल स्कोर कैसे चेक किया जाता है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम में आप लोग अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर आप लोग का सिविल स्कोर अच्छा होता है तो यहाँ पे आप लोग को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और आप लोग को जिस बैंक से लोन लेना है वो आप लोग को लोन मिल जाएगा और जिस कंपनी से लोन लेना है वो लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आपको जो है लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग भी जो है, आपको नहीं पता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो कैसा चल रहा है, आपका सिविल स्कोर अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये आप लोग जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो कैसा चल रहा है। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेटीएम से सिविल स्कोर को चेक करने के लिए सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और गाइस यहाँ पे आप लोगों का पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा प्री क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगी, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। अब ये बोल रहा है नो योर स्कोर इंस्टेंटली। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को जो स्कोर जो है चेक करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग पैन कार्ड का जो नंबर रहता है वो आप लोग यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपना एक ईमेल एड्रेस डाल के आप चेक क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल ली है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और जो ईमेल आईडी है वो भी डाल दिया है और यहाँ मिलता है चेक क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब ये बोल रहा है प्लीज़ वेट, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए और आप लोग का जो क्रेडिट स्कोर है वो आप लोग का यहाँ पे जो है चेक कर रहा है। तो गाइस ये बोल रहा है यहाँ पे वी नीड योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर डालने के बाद कन्फर्म पे आप लोग क्लिक कीजिए और ये बोल रहा है गाइस इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओटीपी आ चुका है 5640 डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट ओटीपी एंड व्यू स्कोर पे क्लिक करना होगा और ये देख सकते हैं ये प्लीज़ वेट, थोड़ा आप लोग यहाँ वेट कीजिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे दिखा रहा है, सिप्रोस क्रेडिट स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो 754 है, तो आप लोग का जो है 600 से ऊपर ही होना चाहिए सिविल स्कोर और आप लोग जितना हो सके उतना इसको बेटर करिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 754 दिखा रहा है, तो ये गुड है। तो यहाँ से तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और व्यू डिटेल आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट इसकी जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं 754 इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपने पेटीएम से अपना जो सिविल स्कोर है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।